आपने पूछा है, कभी कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है जिंदगी में जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिसका कभी विचार ही नहीं किया। ऐसी घटना फिर क्यों घट जाती है? ऐसी घटना इसलिए घट जाती है, आपका मन है क्या? आपका मन विचारों का समूह, विचारों के समूह को कहते हैं मन। और आपके मन के दो हिस्से किए जाएं तो एक है चेतन मन, जो बहुत छोटा सा हिस्सा है, 1/10 ऑफ योर होल माइंड। आपके मन का 1/10 हिस्सा है चेतन मन, और 90% हिस्सा है अवचेतन अथवा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या क्या भरा पड़ा है, वो स्टोर हाउस है विचारों का, अनंत विचारों का जाल, अनंत विचार उसमें भरे पड़े हैं। जो चेतन मन का हिस्सा है उसका कुछ प्रतिशत आपको पता चलता है, जो आप सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन अचेतन मन में जन्मों जन्मों से जो आपके अनुभव रहे हैं, वे विचारों के रूप में संग्रहित पड़े हुए हैं। और 24 घंटे के जीवन में उस अचेतन मन से बहुत सारी चीज़ें चेतन मन में पहुंचती हैं, जब आप सो रहे होते हैं या जब आप होश में नहीं रहते, जाग रहे हैं लेकिन आप किसी सपने में खोए हैं, और अचेतन मन का विचार आपके चेतन मन में भी आ गया, और वह अस्तित्व की शक्तियों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम सारी घटनाएं इस जीवन में घटती। जैसा मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति टैबुला रेसा नहीं है। आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं लेकिन कोरे कागज की तरह नहीं आते हैं। जितने लोग आते हैं, अपनी आत्मा में पिछले जन्म के जो वासनाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनकी चिप साथ में लेकर के आते हैं। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि 3 साल का बच्चा वेद की ऋचाएं बोलने लगता है, 5 साल का बच्चा भागवत की कथाएं कहने लगता है, कभी विद्यालय गया ही नहीं, यानी वो उसके अवचेतन मन में सारी स्मृतियां संग्रहित थी पिछले जन्म की, वो सक्रिय हो गई किसी तरीके से, वो अवचेतन मन से चेतन मन में आ गई, वो उनको सक्रिय करने लगता है, वो प्रकट होने लगती हैं उसके भीतर से। एक व्यक्ति है, उसकी रुझान काव्य की तरफ होती है, वो कवि बन जाता है। एक व्यक्ति, उसकी रुझान फिजिक्स और मैथ्स में होती है, वो साइंटिस्ट बन जाता है। ये जो पिछले जन्मों से आप वृत्तियों को लेकर आए हैं, वही वृत्तियाँ इस जीवन में सक्रिय होती हैं। एक बच्चा पैदा होता है और 2-3 साल का होता है, वो थिरकने लगता है, उसका पूरा उठना बैठना बोलना संगीतमय हो जाता है। आपने बीथोबेन मोजार्ट का नाम सुना होगा, ये 3 साल और 5 साल में और 7 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े संगीत की कृतियों को जन्म दिया इन लोगों ने। वे सब पिछले जन्मों की स्मृतियों को लेकर के आते हैं और वही स्वतः प्रकट होने लगती हैं। और आप जो जीवन शुरू करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना अलग अलग क्यों है? आपने कभी सोचा? हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। आपके ही 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में अलग अलग टेंडेंसीज, सब चीज़ें अलग अलग हैं, क्योंकि वे कोरे कागज की तरह नहीं आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं जिनसे उनका अवचेतन मन भरा पड़ा है, और उसमें से चीज़ें आपके वर्तमान जीवन के विचारों की प्रक्रिया के फलस्वरूप साकार होती हैं, प्रकट होती हैं, उन्हीं का परिणाम होता है ये घटनाएं। ये घटनाएं न घटें और पूरी तरह से आपको अपने ऊपर नियंत्रण हो, आपके जीवन में वही घटनाएं घटें जिनको आप चाहते हैं कि घटित हो, इसका एक ही उपाय है। हमने कहा, जो व्यक्ति मन का मालिक हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में वही घटित होता है जो उसकी चाह होती है, जो उसकी आकांक्षा होती है, जो उसकी इच्छा होती है। जो व्यक्ति मन का मालिक हो जाता है, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, ऐसे लोग हैं जो अपने मन के मालिक हो गए हैं,
मन के मालिक होने का अर्थ क्या है और कैसे तुम मन के मालिक हो सकते हो, यही विज्ञान साइंस डिवाइन के माध्यम से तुम्हें देना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो विज्ञान देना चाहता हूं जिसका सार है यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा, तुम्हारी चाह ही अस्तित्व की मर्जी बन जाएगी, तुम्हारी चाह ही तुम्हारे इर्द गिर्द साकार होने लगेगी। इसका उपाय क्या है, मन का मालिक होने का उपाय क्या है? मन का मालिक होने का एक ही उपाय है, जो व्यक्ति विचार शून्य होने की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, जो व्यक्ति विचार शून्य होने की अवस्था के अनुभव को प्राप्त कर लेता है, उसकी जीवन ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाती है। और जब यह घटना घटती है तो संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा आपको उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी में मन चाही चीजों को पाने के लिए तीन महासूत्रों का प्रयोग करना जरूरी है। पहला महासूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा महासूत्र है 24 घंटे में आधे घंटे के लिए विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। और तीसरा महासूत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। और ये तीनों चीजें सीखी जा सकती हैं, ये तीनों विज्ञान आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जान लेने से नहीं, अभ्यास करने से मिलते हैं परिणाम। सिर्फ तीन महामंत्रों का अभ्यास करिए, गीता कुरान बाइबल वेद उपनिषद पुराण सब इसमें समाहित है। आपका जीवन जब तक बदलेगा नहीं, आप जैसे हो वैसे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल बदलने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ समझ की क्रांति चाहिए। समझ की क्रांति, आप कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, इसी से सारा खेल बदल जाता है। ये पूरा का पूरा जीवन खेल बन सकता है, पूरा का पूरा जीवन आनंद बन सकता है, पूरा का पूरा जीवन विराट संपदाओं से परिपूर्ण हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसे जीने जानने और अच्छी तरह जीवन का अंग बनाने की प्यास आपके प्राणों में भर जानी चाहिए।